गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेके आई हूँ। मतलब मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है ये, बिकॉज़ आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा डेयर होने वाला है। यस, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया है, और आज मैं करने जा रही हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम लिटल नर्वस एंड आई एम लिटल एक्साइटेड। देयर इज़ टू इमोशंस गोइंग ऑन। पहला, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ। सेकंड, मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ कि अरे बाबा मैं ये करने जा रही हूँ। सो यस, आई एम गोइंग टू चॉप माय हेयर। ये जो आप लंबे बाल देख रहे हैं ना, ये दिस लॉन्ग हेयर, I am going to cut it, chop it. Yes, you heard it right. मैं इनको कटवाने जा रही हूँ, एंड it would be a complete new look. और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डेयर होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद मैं कैसी लगूँगी या मैं कैसा फील करूँगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे जाना है अपने घर पंजाब, अपनी मासी के घर, और वहाँ एक शादी है। और उन सब लोगों ने बचपन से ही मेरे लंबे बाल देखे हैं और मैं अपने बाल कटवा रही हूँ, तो आई डोंट नो वो कैसा रिएक्ट करेंगे सीरियसली। सो दिस आई गेस, देखते हैं किस तरह का लुक, किस तरह का हेयर कट ये मुझे प्रोवाइड करते हैं। मैं हूँ इस टाइम साकीनाका में फ्लॉन्ट फेमिना फ्लॉन्ट सैलून में, और ये एक कोलैब शूट होने वाला है। एक्चुअली मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ एंड दे आर पेइंग मी समथिंग, एंड उसके साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा मेरा फ़ोटो शूट करने वाले हैं। सो फोटो शूट एंड हेयर कट एंड मेकओवर के लिए दे आर पेइंग मी। सो यही रीज़न था मैं एग्री हो गई कि चलो यार देखते हैं। आई मीन लेट्स कैसा लगता है। एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इतने अच्छे इतने लंबे बाल कटवाने का। बट एक तरफ मेरा मन ये भी था कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ, नया लुक, अपने आप को कंप्लीट मेकओवर दूँ। सो उसी मेकओवर के लिए मैंने हाँ कर दी कि ओके लेट्स सी, करके देखते हैं कैसा लगता है। सो चलिए ट्राई करते हैं। और ये वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए और बताती हूँ आपको फाइनल लुक शूट करने के बाद और बाल कट करने के बाद। सब चले जाएंगे, इतने चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, सब। I'm very very nervous. Seriously, I'm very nervous. Let's try it. Look at this coat. They have written new day, new you. और ये यहाँ पे फोटोशूट की तैयारी करना शुरू हो गए हैं। वो मेरी डायरेक्टर हैं और वो आई गेस उस सैलों की कोई है, मुझे नहीं पता वो कौन है, बट सैलों की ही कोई है। एंड प्रिपेयरिंग फॉर द शूट एंड आई एम लविंग दिस न्यू डे न्यू यू। दैट्स द टीम डूइंग देयर वर्क फॉर यू नो, आई डोंट नो व्हाट दे आर डिस्कसिंग, बट दे आर डिस्कसिंग समथिंग। कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं, फलाना टमकाना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये वो पता नहीं क्या करेंगे। पता चले मेरे बालों का सत्यानाश ना मार दें बस। हाँ तो मैंने कर दी है।
चलिए चलते हैं सैलून के अंदर, उन्होंने बोल दिया है कि आ जाइए आप। और लास्ट टाइम मैं अपने बाल अच्छे से देख रही हूँ और ये है सैलून और ये वो प्रोड्यूसर है जिनके थ्रू मैं ये कर रही हूँ। ये वाले भैया मेरे बाल काटेंगे और दिस इज़ द सैलून। सो मैं आ गई हूँ यहाँ पे एंड लुक एट दिस यार, इतने लंबे बाल मेरे, उफ क्यों कटवा रही हूँ यार, समझ नहीं आ रहा। सो यस ओके, सो इन्होंने शुरू कर दिया है ये, अब बालों की लेंथ देख रहे हैं। एंड मैं सामने से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, एक जो लड़का है वो लाइट पकड़ के बैठा हुआ था एंड सेकंड जो है हमारी डायरेक्टर वो वीडियो बना रही थी एंड ये बाल काट रहे थे मेरे। सो मैं सामने रख के उसको नहीं कर पा रही थी, तो मैंने ये मिरर में से इस तरह शॉट जो है वो कर लिया। सो ये इन्होंने हाथ में कैंची पकड़ ली है। अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मुझे सीरियसली लग रहा है मुझे नहीं कटवाना चाहिए थे ये। और ये 1 2 3 एंड एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने नहीं सोचा था वो इतने ज़्यादा काट देंगे। दे टोल्ड मी कि वो यहाँ तक रखेंगे, इसे बोलते हैं शोल्डर तक रखेंगे, बट फिर उन्होंने जब काटना शुरू किया तो बहुत ही शॉर्ट कर दिए। और मैं हाँ कर चुकी थी, मैं साइन कर चुकी थी और मैं फिर नहीं मना कर सकती थी एंड मुझे वो दर्द सहना पड़ा और मैंने फिर मतलब रोने वाला मन हो गया था, बट इट्स ओके, मैंने सोचा ये देखो लाइक एंड ये भी उन्होंने रख लिए यार, ये भी मुझे वापस नहीं दिया, एटलीस्ट ये वापस दे देते मुझे मेरे बाल। पता नहीं क्यों नहीं दिए इतने लंबे बाल मेरे। इतना सा भी अगर हेयर कट रहता ना तो भी बहुत अच्छा था, बट उन्होंने तो बाद में मतलब छोटे कर करके कर करके सारे ही उड़ा दिए। मतलब मुझे ऐसा लगता कहीं मेरे को गंजा ही ना कर दें। ये हेयर वॉश कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया उन्होंने मुझे, वो बहुत अच्छा था कि जो सैलून की तरफ से ट्रीटमेंट था, जो पैम्परिंग थी वो बहुत अच्छी थी। एंड आफ्टर दैट ये अभी बाल धोने के बाद अब ये इसको और काटेंगे, मतलब और काटेंगे। सी धोने के बाद ये कटिंग चल रही है और ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है एंड लुक एट दिस, इतने काट दिए यार, मतलब मुझे क्या चाइनीज़ बना के ही मानोगे क्या। सो दिस इज़ इट, इस तरह के और भी काट दिए ये देखो, मतलब सो फाइनल इज़ दिस, इस तरह का लुक जो है मेरा आया है। एंड ये मेरी डायरेक्टर तक हैरान हो रही थी कि यार ये कुछ सादा ही हो गया, बट कटने के बाद फिर मैं कुछ कर नहीं सकती। फाइनली दिस इज़ द हेयर कट, सारे कटवा। इफ यू लाइक माई न्यू लुक प्लीज डू कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।